हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइडिंग कपलाशी में। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे हिल स्टेशन की सैर पर ले चलूंगा जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। आज बात होगी लैंसडाउन की, जो कि गढ़वाल की पहाड़ियों के बीच बसा है और समुद्र तल से 5,670 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये शहर भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर है और भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का घर माना जाता है। सबसे पहले बात कि लैंसडाउन पहुंचा कैसे जाए। दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी 258 किलोमीटर पड़ती है, जिसे आप सड़क के रास्ते लगभग 7 से 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से लैंसडाउन तक की डायरेक्ट बस लेते हैं तो इसके लिए आपको 1200 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से कोटद्वार तक की बस लेते हैं, इसका किराया लगभग 400 रुपए पड़ता है, और फिर कोटद्वार से लैंसडाउन आप टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी लेकर आ सकते हैं, जो कि कोटद्वार से 39 किलोमीटर पड़ता है। लैंसडाउन का नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का है, जो कि वहां से 140 किलोमीटर दूर पड़ता है। देहरादून से आप टैक्सी या बस से लैंसडाउन पहुंच सकते हैं। टैक्सी का एक साइड का किराया आपको 1800 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक का पड़ जाएगा, और सरकारी बस से आप लगभग 100 रुपए का किराया देकर लैंसडाउन पहुंच सकते हैं। लैंसडाउन का नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है कोटद्वार में, जो कि 39 किलोमीटर दूर है। यहां से आप टैक्सी या बस के जरिए लैंसडाउन पहुंच सकते हैं। लगभग 1000 रुपए में आप टैक्सी बुक कर सकते हैं और वहीं केवल 50 रुपए देकर आप बस से लैंसडाउन पहुंच जाएंगे। यहां आपको 500 रुपए से लेकर अपने बजट तक के होटल मिल जाएंगे। अब बात की लैंसडाउन में घूमने वाला क्या क्या है। टिप एंड टॉप, ओक और देवदार के जंगलों से घिरा ये हिल टॉप व्यू पॉइंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से सनराइजिंग और सनसेट देखने का अपना एक अलग ही मजा है। भुल्ला ताल, अगर आप सुकून से ताजी हवा में सांस लेना और आराम करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप यहाँ पंछी देख सकते हैं और नाव की सवारी भी कर सकते हैं। गढ़वाली मेस, अगर आप इस शहर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस जगह पर जरूर आएं, क्योंकि ये लैंसडाउन की सबसे पुरानी मौजूदा ब्रिटिश इमारतों में से एक है, जो अब इंडियन आर्मी के अंडर आती है। सेंट्रल लैंसडाउन, ये जगह सबसे पुराने वॉर मेमोरियल्स में से एक है और यहाँ आकर आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा आप सेंट मैरी चर्च, सेंट जॉन चर्च और गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल वॉर मेमोरियल देखने जा सकते हैं, जो कि इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसी जगह है। लैंसडाउन अपने लोकल गढ़वाली फूड आइटम्स के लिए खूब फेमस है। यहाँ आप पानू, काफली, कुलक की दाल, अरसा, भांग की खटाई, सिकुनक साग और गुलगुला खा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ चीनी, इंडियन, मुगलई, मारवाड़ी खाना भी खाने को मिल जाएगा। लैंसडाउन का मौसम साल भर अच्छा रहता है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। बहुत से लोग तो भीड़ से बचने के लिए अब लैंसडाउन आना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको लैंसडाउन की कुछ और बातें भी बताते हैं। इसे पहले काली कुंड के नाम से जाना जाता था, जिसका गढ़वाली में मतलब होता है काली पहाड़ी, लेकिन साल 1857 में इसका नाम बदलकर उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रख दिया गया। इस जगह पर गढ़वाल राइफल छावनी बनाई गई और मौजूदा आर्मी ने अपनी पहली बटालियन को अल्मोड़ा से लैंसडाउन ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि लैंसडाउन लोगों से दूर और एक शांत जगह थी, जिसकी वजह से सैनिकों को यहाँ छिपने में आसानी होती थी। तो यह था लैंसडाउन की यात्रा पर हमारा खास वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लैंसडाउन को आए हैं तो अपना अनुभव हमें कमेंट करके साझा कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।